ब्लूम्स कौन है? ब्लूम्स एक शख्स है जिनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एक थ्योरी जो है दी थी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि इट्स वन ऑफ दी वेल नोन थ्योरीज, और बहुत ज्यादा इसके बारे में बात की जाती है और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लूम्स कहाँ से आया? बेंजामिन ब्लूम से। टेक्सोनॉमी का क्या मतलब है? टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है, टेक्सो और नॉमी, अरेंजमेंट, टेक्सो अरेंजमेंट, नॉमी साइंसेस, अरेंजमेंट ऑफ साइंसेस, जिसका सिनेमन होगा आप समझे कि क्लासिफिकेशंस। तो उसने क्या किया, बेसिकली एक मॉडल या टूल डेवलप किया जिससे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करके हम अपने लर्निंग सेशन को और बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। कितने डोमेन उसने बनाए? तीन। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक कुछ लोगों ने बताए भी हैं, वो तीन मेन डोमेन हैं। कौन से? वो है कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव। ठीक है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव। यहां तक कोई कंफ्यूजन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में या डोमेन्स के बारे में? ठीक है, इसके बाद वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्कस ईच डोमेन डिटेल में, कि एक हर डोमेन का क्या मतलब है और क्यों है। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो डोमेन्स बनाए गए थे, ये हाई स्कूल लेवल के लिए बनाए गए थे। ठीक है, वो हमारे पास मेडिकल साइंसेस में किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं, क्या होते हैं, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? शुड आई मूव अहेड? डॉक्टर, कोई कंफ्यूजन? कोई सुन रहा है? ठीक है, यस डॉक्टर आहिला, डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर फल, सही है। तो अब हर डोमेन होता क्या है? कॉग्निटिव से हम लोग ने पिछले लेक्चर में बहुत सुना था, क्या होगा कॉग्निटिव डोमेन? कोई बता सकता है कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या हो रहा होगा? नाम से कुछ समझ आ रहा है? कॉग्निटिव मेमोरी कह रही है डॉक्टर पारस, रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड, लर्न, रिकॉल। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि कॉग्निटिव जो है ना, वो मेमोरी के साथ करता है। जब हम बात करते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, तो जो नॉलेज कंपोनेंट है उसको डील करता है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो है, मेंटल स्किल्स जिनको कंबाइन करके बोलेंगे, वो उसके ऊपर फोकस होता है, और नॉलेज एक्विजिशन के ऊपर होता है। तो ब्लूम्स क्या कहता है, उसने लर्निंग को एक हायरार्की की तरह बना दिया है। हायरार्की का इस तरह से कि वो लोअर लेवल से ऊपर हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसने समझ सिक्स लेवल्स में उसको रहा डिवाइड कर दिया है। जो सबसे हूँ। छोटा लेवल है वो हमारा है रिमेम्बर हाँ का, और मैक्सिमम जाके क्रिएट का। ठीक है, एकड़े के बाद तुम के बनानी छे ना टोचन करे छे देखो ते पकड़ा बिल्कुल डॉक्टर वही, म्यूट प्लीज। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने लेवल्स में उसको डिवाइड किया। क्या मुझे या आपको एज अ सीएचपी, अगर आप कर रहे हैं एज ए टीचर, क्या आपको ये सारे लेवल्स याद करने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, इनका हम किस तरह से इनको अप्लाई करते हैं, अगर हम इसको मेडिकल, क्योंकि ये हाई स्कूल लेवल के लिए बना था, अगर हम मेडिकल साइंसेज के ऊपर आते हैं तो दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको तीन लेवल, C1, C2, C3। ठीक है, जिसको सीपीएसपी बहुत ज्यादा यूज करता है, उसने क्या किया कि हर दो लेवल्स को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो कंबाइन उसने किस तरह से किया है कि आपके ये दो आपके हो गए C1, इसको C2, और इसको कर दिया उसने C3। लेकिन उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक और तरीका है इसको करने के लिए, कि इसको हम कर दें 1, ये आपका हो जाएगा रिकॉल। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन। ये सबसे सिंपल तरीका है इसको डिवाइड करने का और याद करने का, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये हर लेवल किस तरह से एप्लीकेबल होता है, हर लेवल के लिए एक एक्शन वर्ब यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सी नॉलेज है जो रिकॉल लेवल पे आएगी, और कौन सी नॉलेज है जो एप्लीकेशन लेवल पे आएगी मेडिकल साइंसेज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि कोई भी फैक्चुअल नॉलेज है, तो वो आपकी हो जाएगी रिकॉल। ठीक है, फैक्ट्स क्या होते हैं? आपकी डेफिनेशंस हो गई, आपके एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गई, वो सिंपल रिकॉल है। ठीक है, और कोई एप्लीकेशन हो गई, तो आप उसकी एप्लीकेशन का अगर कोई मुझे एग्जाम्पल भी आप लोग में से कोई दे दे कि क्या चीज होगी एप्लीकेशन, अगर सिंपल रिकॉल डिफाइन
और आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो एक एप्लीकेशन का आपका क्या हो सकता है, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहाँ पे अप्लाई होता है, ये कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जो उसके साथ जाके यूज हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर आते हैं साइको मोटर डोमेन। ठीक है, साइको मोटर डोमेन क्या देख रहा होता है, मोटर स्किल्स, जो चीज आप हाथ से कर रहे हो, जिस चीज के ऊपर आपकी हाथ की महारत आती है कि आप जो है कितनी जल्दी, कितनी प्रिसिशन के साथ और किस तरह के प्रोसीजर को यूज करते हुए उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो आपका साइको मोटर डोमेन में आता है, वो सारी स्किल्स उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और इसी ब्लूम्स टेक्सोनोमी के अंदर उसके भी लेवल्स बता दिए गए हैं। आपके लर्निंग इनिशियल यहाँ पे आपके 6 लेवल्स थे, यहाँ पे आके आपके 5 लेवल्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, ये इनिशियल लेवल्स है, जैसे रिमेम्बरिंग और रिकॉल है, वहां से जाके ऊपर तक आप जब जाएंगे इसमें तो वो महारत हासिल हो जाती है। इसको हम कैसे एप्लीकेबल करते हैं, इसके अंदर भी हम अपनी परफॉर्मेंसेस को एक्शन वर्ब देके उसको यूज करते हैं। कोई एग्जाम्पल इसके लिए मुझे बताएंगे कि आपकी कोई एक परफॉर्मेंस का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? हम साइकोमोटर को इस स्टेप्स के अंदर ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि हमारी मेडिकल साइंसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स साइंसेस हैं, तो हम इस तरह से हाई स्कूल लेवल पे मे बी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, हमारे पास नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती। ठीक है ना, को एक होलसम करके एक एक्शन वर्ब डाल के अपने जो टास्क है, स्किल्स हैं, उनको उसके अंदर इसको यूज कर रहे होते हैं। क्या कोई वर्ब हो सकता है डॉक्टर पारस, मे बी आपने जो लास्ट कॉमेंट दिया था उसके ऊपर आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचें कि क्या वो कन्वर्ट हो सकता है? डिमॉन्स्ट्रेट, डॉक्टर रबिया, क्या चीज डिमॉन्स्ट्रेट? ये तो एक्शन वर्ब है ना, किस चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन? रिपेयरिंग एपिस्टिमोल, ठीक है, लेकिन किस तरह से इसको कंप्लीट कैसे करेंगे डॉक्टर नाजिया? इसको हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट को टीच करें एपिजियोटमी रिपेयर करना। लेकिन हमने तो कहा कि लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, तो टीचर को टीच करें या स्टूडेंट शुड बी एबल टू परफॉर्म? ठीक है, परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, ठीक है, क्या इंडिपेंडेंटली? जो भी प्रोसीजर आप सिखा रहे हैं उसको अपने दिमाग में आप इस तरह से फ्रेज करें, आप नहीं, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट या परफॉर्म जो भी आप उसको सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये इसी तरह से एप्लीकेबल होता है मेडिकल साइंसेज में। कोई भी ऐसी स्किल जो हाथ से हो सकती है, ठीक है, आईवी कैनोला पास, यस, स्टूडेंट शुड बी एबल टू पास दी आईवी कैनोला, टेक वाइटल साइंस। ठीक है, जो भी हमारी नॉलेज एंड स्किल्स हम सिखा रहे होते हैं वो किसी ना किसी एक डोमेन के अंदर फिट हो रहा होता है। ठीक है, वो या तो कॉग्निशन हो सकता है, या वो साइको मोटर हो सकता है, या फिर वो हमारे पास इफेक्टिव डोमेन में आ सकता है। ठीक है, इफेक्टिव डोमेन का क्या मतलब है कि हम उसको स्किल्स और नॉलेज के अलावा तमीज भी सिखाएं। ठीक है ना, तमीज किस चीज की, के या किस तरह से बिहेव करना है, अपना एटीट्यूड क्या रखना है, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है एज अ डॉक्टर क्या होना चाहिए और उसको अपने एक्शंस में किस तरह से लेकर आना चाहिए। ठीक है, वो जब आप कॉन्शियसली सिखा रहे होते हैं वो आपकी चीजें इफेक्टिव डोमेन के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जो कि हम कॉन्शियसली, आप अपनी प्रैक्टिस में मुझे सोच के बताएं कि जो आप कॉन्शियसली स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं। सही है, ठीक है, तो सारे अपने चैट रूम के साथ रेडी हो, मैं पहला आपको ऑब्जेक्टिव दिखा रही हूँ, आपने मुझे ये बताना है कि ये किस डोमेन के अंदर आएगा, अगर कॉग्निटिव है तो किस लेवल के अंदर आएगा। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर मेमन, आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्यों रिकॉल है? अनम्यूट होके ना, कि क्यों आपको लगता है कि ये रिकॉल लेवल है? मुझे तो लग रहा है कि ये C2 लेवल है, या मुझे लग रहा है ये एप्लीकेशन लेवल है, तो आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि ये रिकॉल क्यों है डॉक्टर मेमन? इट इज नॉट अप्लाई ऑफ पेशेंट, जस्ट डेफिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ पेशेंट क्या जरूरी होती है कॉग्निशन लेवल के अंदर? अगर आप बेसिक साइंसेस की बात करें वहां पे तो एप्लीकेशन ऑफ पेशेंट तो नहीं होता। कोई और बता सकते हैं कि क्या, क्यों, क्या रीजन? ये सारे लोग जिन्होंने रिकॉल लिखा है, सहरिश, बुशरा, सैयद फरा, आप लोग सब मुझे जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों C1 लेवल है? डॉक्टर हिरा, डॉक्टर रुखसार, तो जस्ट सॉर्टिंग आउट मेमोरी एंड डिलीवरिंग बिकॉज ऑफ वर्ड डिफाइन। क्या पता मैंने गलती से डिफाइन लिख दिया हो, मैं कुछ और लिखना चाह रही हूं।
अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर, इट्स नॉट अप्लाई योर पेशेंट के अंडरस्टैंड और रिमेम्बर। डॉक्टर राहिला क्यों C1 है, क्यों? डेफिनेशन C1 में है, लेकिन डेफिनेशन में ऐसा क्या होता है कि वो C1 है? दिस इज टेस्टिंग मेमरी, दिस इज जस्ट आस्किंग अबाउट प्रीवियस नॉलेज। बिल्कुल ठीक है, डिफाइन जो है ना एक फैक्ट है, ठीक है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, जो वो जैसा है वो वैसा ही है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ और नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद करना है किताब के किस पन्ने में किस कोने में क्या लिखा हुआ था, और अगर कोई पूछे तो उसको वॉमिट कर देनी है, वर्बल वॉमिट, कि हाँ हाँ ये होता है, ठीक है ना, उसमें आपका कोई दिमाग नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वो सिंपल सा एक सवाल है जिसका आप जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो हम आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है, आप सारे दूसरा देख लें और मुझे वाई भी बता दें इसका। टू स्टार्ट विथ क्लियर इमेज अबाउट द चैप्टर, डॉक्टर दुर्गा ये किस पॉइंट के लिए कह रही हैं आप? ठीक है, जस्टिफिकेशन भी अपने रिस्पॉन्स के साथ लिखेंगे कि क्यों रिकॉल है ये। ठीक है, ठीक है, रट्टा, ये बिल्कुल डॉक्टर रबिया ने ना बिल्कुल सही सही वर्ड यूज किया है, रट्टा। जो चीजें रट्टाफिकेशन के साथ सॉल्व हो जाए वो आपकी इनिशियल लेवल है, रिकॉल लेवल है, ठीक है ना, जस्ट मेमोराइज, जिसको आपको जाके रट्टा करके वॉमिट करना है, वर्बल वॉमिट, ठीक है। अब मुझे ये बता दें सब लोग थर्ड पे आ जाएं कि ये क्या चीज है। डॉक्टर हिरा कह रही है C2, डॉक्टर शिराज कह रहे हैं C2, ठीक है, डॉक्टर रबिया एप्लीकेशन मतलब C2 शायद कहना चाह रही हैं, पारस भी C2 कह रही हैं, वकास फलकना, ठीक है, डॉक्टर राहिला, डॉक्टर समीना, ठीक है, रुखसार अंबर, ठीक है, सारे के सारे कह रहे हैं C2 है। अब डॉक्टर निशा आप अनम्यूट हो जाए और मुझे जस्टिफाई करें कि ये क्यों C2 है। असम वालेकुम सलाम, इसमें हम स्टूडेंट्स अप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि कहाँ पे जो अप्लाई प्राइमरी करवा रहे? थी पेशेंट पे हम इसकी ठीक एप्लीकेशन है, लिखना चाह रहे हैं, मतलब दिस इज प्रैक्टिकल वर्क होती है। तो अब फर्स्ट मेमोरी एप्लीकेशन, थी, अब उस मेमोरी को आपने अप्लाई करना है, द फिगर ऑफ 8 सूत्रस आते हैं, नाउ यू हैव टू अप्लाई द सूत्रस ऑन पेशेंट, दिस इज ठीक है, एप्लीकेशन। कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर बुशरा C2 को जस्टिफाई करें प्लीज। स्टूडेंट विल शो द स्टेप्स इन पर्टिकुलर प्रेजेंट। डॉक्टर बुशरा पहले आप जस्टिफाई कर दें मुझे अनम्यूट होके कि ये क्यों जो है C2 लेवल है। डॉक्टर बुशरा आप हमारे साथ हैं या नहीं? डॉक्टर बुशरा अनम्यूट हो जाए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट होके मुझे थोड़ा सा जस्टिफाई करें कि क्यों ये C2 लेवल है। आपको क्या लगता है, मतलब आपके जहन में क्या आ रहा है जब आप उसको C2 कहती हैं? तो डॉक्टर बुशरा शर्मा रही हैं, अच्छा बैकग्राउंड नॉइज है, ठीक है। डॉक्टर सैयद फरहान आप बता दें सर कि क्यों ये C2 लेवल है। Because we have to just apply that what we have learned in the our previous ठीक lectures है, तो or आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब हम जो है जब पेशेंट में काम कर रहे होते हैं तो क्या हम कोई चीज हाथ से कर रहे होते हैं? ये जो फिगर ऑफ एट की डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये मैं अपने हाथ से कर रही हूँ या सिर्फ दिमाग में कर रही हूँ? when we are practicing in hospital then we have to apply on the patient with our hands. अगर हम किसी चीज को पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं विथ आवर हैंड्स, तो ये Yes, कौन सा we होना have to चाहिए? demonstrate, for example, डोमेन, we have डोमेन This will be the C2 level, the application level. C2 लेवल की क्या कंडीशन थी, वो कौन से डोमेन के अंदर आता है डॉक्टर फरहान C2? That we have to apply the what we have learned in the previous यस बिल्कुल, वी अप्लाई व्हाट cases. वी हैव लर्न इन द प्रीवियस, लेकिन वो डोमेन कौन सा है? हमने तीन डोमेन की बात की थी, डोमेन कौन सा है सर? वो Application level. एप्लीकेशन लेवल है, कैटेगरी है, ठीक है, एप्लीकेशन और रिकॉल कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं, लेकिन डोमेन क्या है सर? सर डोमेन आप चैट रूम में देखें, आपको सब बता रहे हैं उसके अंदर, अच्छा ठीक है।
मेरे ख्याल से आपके बाकी कुलीग्स को समझ में आ गया, जब हम C1, C2, C3 या रिकॉल और एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं तो दीज आर कैटेगरीज अंडर द कॉग्निशन डोमेन। ठीक है, कॉग्निशन डोमेन का क्या मेन था कि वो दिमाग से काम हो रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर हम हाथ से कुछ नहीं कर रहे होते, अपने दिमाग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, अपने दिमाग के अंदर ही सारी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, उसमें आप अपने हाथ से कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हम अपने हाथ से कोई चीज कर रहे हैं, कोई डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कोई चीज, तो हम किसके ऊपर आ जाते हैं, हम आ जाते हैं साइको मोटर स्किल के ऊपर। ठीक है, हैंड वाला वो आपको याद रहना चाहिए, इसके अंदर निशान कि इसमें साइको मोटर मतलब मोटर स्किल्स, हाथ वाली चीज। ठीक है, तो इस वाले का राइट आंसर इज साइको मोटर। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन कि ये साइको मोटर क्यों है और कॉग्निशन क्यों नहीं है? डॉक्टर रुखसार, आपका क्वेश्चन जो है, आपको इसके बारे में क्लैरिटी हुई? डॉक्टर मैम रुखसार, मैम व्हाट आई वांट आस्क के यहाँ पे भी समहाउ कॉग्निशन तो फर्स्ट अप्लाई होगी ना, फर्स्ट वी मेक इमेज इन बिल्कुल अवर माइंड. एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन बाय डॉक्टर रुखसार। ठीक है ना, कोई इसको बता सकता है कि क्यों, किसी को भी कोई आइडियाज कोई शेयर करना चाहेगा कि क्यों इसको मैं साइको मोटर कह रही हूं और क्यों ये दोनों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों ही यूज हो रहे हैं, कॉग्निशन भी है भाई, मुझे पता होगा मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ, एप्लीकेशन लेवल पता होगी तो अप्लाई करूंगी ना। कोई अपने थॉट शेयर करना चाहेगा, सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, आपके अगर कोई इसमें है जो आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें होता ये डॉक्टर रुखसार कि कोई भी हम जब अपना फर्स्ट ही विल रिकॉल एंड देन अप्लाई द नॉलेज, बिल्कुल डॉक्टर पारस, रिकॉल और एप्लीकेशन तो इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन ये कॉग्निटिव डोमेन से हटके साइकोमोटर डोमेन क्यों है डॉक्टर पारस? टेस्टिंग हैंड्स ऑन स्किल्स, ठीक है बिल्कुल डॉक्टर शिराज, क्योंकि हम अपने हाथ यूज कर रहे हैं तो इसी वजह से ये साइकोमोटर है, लेकिन ये कॉग्निशन का एप्लीकेशन लेवल भी तो हो सकता है, कॉग्निशन डोमेन में भी तो जा सकते हैं ना, बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग। आप ये चीज याद रखिए कि कोई भी परफॉर्मेंस के लिए ना आपकी कॉग्निशन की है। ठीक है, बगैर उस चीज को समझे या उस चीज की बैकग्राउंड नॉलेज हुए बगैर आप कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हर चीज जो आपकी साइकोमोटर में आएगी उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट आपके पास कॉग्निशन में डेफिनेटली होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो उसमें क्या करके दिखा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट का वर्ड आ रहा है, दैट्स अ वर्ब एक्शन जो है ना, गुड की कि ये क्या है, हाथ वाली चीज है या नहीं। और हर हमारा स्किल, मेडिकल डेंटल, हमारे जो सारे स्किल हैं, 90% ऑफ द स्किल्स किसी एक डोमेन में आता है, 90% ऑफ द स्किल्स। ठीक है ना, जिसमें आपका ये वाला ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली साइकोमोटर स्किल है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम मैम सलाम, ये आपका भैया, इसमें भी तो एप्लीकेशन जो कॉग्निटिव के एप्लीकेशन वाले लेवल है उसमें भी तो यही है कि इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट, तो इसका समझ नहीं आई कि क्यों डिफरेंट है ये. आपका हो जाएगा उसके अंदर मेन जो है ना हाथ, किससे उससे आप हाथ से कुछ नहीं कर रहे। जब मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रही होती हूँ तो वो सारी इंटरप्रिटेशन कहाँ होती है, क्या उसके लिए आप कुछ हाथ से कर रही होती है डॉक्टर रबिया? जब मैं आपको बोलूं नहीं कि इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करें, ठीक है ना, या सीबीसी को इंटरप्रेट करें, तो आप कहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर रही होंगी उसकी? कॉग्निटिव लेवल पे होगी. कॉग्निटिव, जब आप दो कुलीग्स आपस में एक केस डिस्कस कर रहे होंगे तो वो कहाँ केस डिस्कस होगा? आप उसकी डायग्नोसिस अपने दिमाग में कर रही होंगी, इसकी वजह से वो एप्लीकेशन लेवल साइकोमोटर डोमेन से अलग अलग होता है। ठीक, ठीक थैंक है यू. डॉक्टर रबिया, अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप बीच में पूछ सकते हैं। फिलहाल ये वाला मेरे ख्याल से डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ सूचरिंग, इसको मुझे बता देंगे क्या है, डोमेन कौन सा है, और अगर कोई डोमेन में कैटेगरी आ सकती है तो कौन सी कैटेगरी है, या सब थक गए बोर हो गए? क्लियर आफ्टर एग्जाम्पल डॉक्टर मेमन, ठीक है, C1 कह रहे हैं डॉक्टर शिराज, कॉग्निटिव डोमेन है, अगर कॉग्निटिव डोमेन है तो मुझे फिर ना उसकी वो भी बताएं, कैटेगरी भी बताएं, रिकॉल है या एप्लीकेशन है। ठीक है, ये डॉक्टर रबिया और डॉक्टर निसा, रिकॉल, दुर्गा, हिरा, ठीक है, तो ये क्यों रिकॉल है, ये तो डिस्क्राइब कर रही हूं मैं क्यों इसको रिकॉल बोल रही हूँ, इसका वाई भी बता दे मुझे प्लीज। ठीक है, जी जी ना डॉक्टर अली फराज, तो इसके अंदर हम हाथ से कोई चीज जिस करके बता रहे हैं, टेक्निक्स को ठीक है, सिंपली उसको दिमाग में सोच के याद करके बता रहे हैं कि वो ठीक है, टेक्निक्स क्या है सीखेंगे. ठीक है, इसमें सिंपल हम याद कर रहे हैं चीजें, ठीक है, रिकॉल करके कर रहे हैं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई हम इसके अंदर गहरी सोच नहीं है, सिंपल सिंपल ये कि किताब में कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई थी, रट्टा जिसका लग सके वो आपका रिकॉल है, और बिल्कुल ये वही वाला आपका डिस्क्राइब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले वाले पे।
ये क्या चीज है? ठीक है, डॉक्टर हिरा कह रही हैं C2, डॉक्टर शिराज कह रहे हैं C2, अली फरहान साइकोमोटर, डॉक्टर मेमन, डॉक्टर समीना, डॉक्टर पारस C2 C2। ठीक है ठीक है, डॉक्टर पारस कह रही हैं C2, दुर्गा देवी भी कह रही हैं C2। डॉक्टर डॉक्टर दुर्गा प्लीज इसको जस्टिफाई करें अनम्यूट करके कि व्हाई इज इट C2। C2 का मतलब क्या है पहले ये तो मुझे कि बताएं। परफॉर्म परफॉर्म मीन्स टू अप्लाई अप्लाई, ठीक है अप्लाई कहाँ पे, कौन सा डोमेन, कौन सा पहले ये बताएं। साइकोमोटर टुगेदर विद दैट। साइकोमोटर, क्या साइकोमोटर C2 है? एप्लीकेशन किसके अंदर होती है? कोई डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर बुशरा का आई थिंक वो मसला है। डॉक्टर पारस, डॉक्टर पारस आप आ जाएं। डॉक्टर पारस, डॉक्टर दुर्गा को प्लीज हेल्प करें इसके अंदर कि ये क्यों C2 है, उनकी हेल्प करें जस्टिफिकेशन देने में। डॉक्टर समीना, डॉक्टर मेमन, डॉक्टर शिराज, डॉक्टर अंबर, जितनों ने भी C2 बोला है प्लीज मुझे उसको जस्टिफाई कर दे कि क्यों C2 है ये। दुर्गा, डॉक्टर दुर्गा की हेल्प कर दे कोई C2 वाले सारे। द पर्सन विल बी अप्लाइंग द नॉलेज एंड परफॉर्म दैट टास्क, मतलब अपने अपने उसको ब्रेन से मेमोरी को रिकॉल करके और फिर उसको हाथों से करके दिखाएंगे। दिस तो इसकी वजह से ये कौन सा लेवल है? वुड बी अ साइकोमोटर लेवल। साइको मोटर लेवल। ठीक है, ये तो डॉक्टर अंबर आपने सही जवाब इसका बता दिया। ठीक है, इसमें जितने भी लोगों को ये कंफ्यूजन है वो प्लीज अपने आप को इसमें क्लियर करें कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वो चीज किस डोमेन में आ रही है। डोमेन तीन बड़े डोमेन है, कॉग्नेटिव, साइको मोटर, इफेक्टिव। कॉग्नेटिव का मतलब क्या है कि वो चीज जो आप जो है दिमाग में उसको सॉल्व कर रहे हैं। जब मैं कह रही हूँ परफॉर्म बेसिक सर्जिकल स्किल्स, क्या मैं अपने दिमाग में उसको परफॉर्म कर सकती हूँ, हाँ या ना? ठीक है, वो सारे लोग जिन्होंने C2 कहा था ये स्पेशली उनके लिए, प्लीज अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो प्लीज स्टॉप मी अगेन। ठीक है ना, तो आपको सबसे बेसिक, जब भी आपको कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो पहले आपको ये सोचना है कि ये डोमेन क्या है, कॉग्निटिव है, साइको मोटर या इफेक्टिव है। अगर हाथ से कोई चीज हो रही है वो आप बगैर सोचे उसको साइको मोटर के अंदर डालेंगे। ठीक है, अगर कोई दिमाग में चीज हो रही है जिस जो सिर्फ दिमाग के थ्रू उसको सॉल्व करना है आपको, तो आप सोचेंगे कि कॉग्निटिव है, और कॉग्निटिव की कौन सी कैटेगरी है, रिकॉल है या एप्लीकेशन है। ठीक है सही है, उसमें फिर आपका C1 C2 जो आप कह रहे हैं या उसको रिकॉल या एप्लीकेशन, मैं उसको कंफर्टेबली रिकॉल या एप्लीकेशन में फील करती हूँ क्योंकि उसको डिफ्रेंसिएशन आसान होती है। ठीक है ना, तो अगर मैं कह रही हूँ कि एप्लीकेशन है, अगर परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली उसके अंदर एप्लीकेशन तो इनबिल्ट होती है ना, वो आप उसे जुदा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप उस स्किल को हमेशा साइको मोटर के अंदर डालेंगे जब वो हाथ से परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, सारे वो लोग जिन्होंने उसको C2 कहा था, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज अभी यहाँ पे क्लियर करें और मुझसे पूछ ले। तो मैडम क्या कोई साइको मोटर का सिनेरियो C2 नहीं हो सकता, यानी कि हमेशा जब कॉग्निटिव क्वेश्चन होगा तो फिर हम C1 C2 C3 सोचेंगे, यस और साइको मोटर इफेक्टिव होगा तो फिर हम उसको C1 C2 C3 से रिलेट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये जो C1 C2 C3 या रिकॉल एंड एप्लीकेशन है वो सिर्फ नॉलेज के लिए है। ठीक है, जो स्किल है परफॉर्मेंस स्किल वो हमेशा साइको मोटर होगा, अगर बिहेवियर है तो वो हमेशा इफेक्टिव होगा। ठीक है सही है डॉक्टर, मैं सो इट इज साइको मोटर। यस डॉक्टर मेमन, दिस इज साइको मोटर, क्योंकि परफॉर्मेंस है ना, मैं करके दिखा रही हूँ अपने हाथों से। मैं एक, आप मुझे एक टेक्निक सिखाएंगे, मैं वो उसको प्रैक्टिस करूंगी, फिर परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगी, और उसके उसकी परफॉर्मेंस जब तक मुझे नहीं आएगी मैं अपनी स्टडीज में आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है ना, तो लेट्स मूव ऑन। ये मुझे बता दें सारे, एक्सक्यूज मी। ठीक है, डोमेन पूछ रही हूं मैं। ठीक है, डोमेन आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सा डोमेन है। ठीक है, बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग भी बताएं कि कौन सा डोमेन है ये। जरूरी नहीं जिन्होंने लिखा है वो सही हो और आप उसको डाल दें। ठीक है, जो समझ में आ रहा है आप उसको डाल दें। ठीक है, डॉक्टर वकार, डॉक्टर समीना, बाकी लोग भी जवाब दें, मुझे बहुत कम कम जवाब नजर आ रहे हैं। दिस इज बिहेवियर। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे डॉक्टर रिजवान का जवाब आ गया है। डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर बुशरा प्लीज आप थोड़ी सी ना खामोश जगह पे आए, बिकॉज आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मतलब क्लास में आई वुड लाइक टू हैव यू एक्टिवली पार्टिसिपेट ना, आई वुड लाइक टू लिसन टू योर व्यूज। अच्छा
तो आप कोशिश करें किसी अच्छी जगह पे आए जहाँ पे हम आपको सुन सकें. बिहेवियर इज इन्वॉल्व सो इफेक्टिव. ठीक है डॉक्टर अंबर, अगर आप अनम्यूट हो जाए मुझे बताएं कि व्हाई इज इट साइकोमोटर. ठीक है बाकी सबने जो लिखा है जरूरी नहीं वो सही हो, आप अपनी जस्टिफिकेशन दे कि आपको अगर ये लग रहा है तो व्हाई डू यू फील कि इज इट इज साइकोमोटर. बिकॉज इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस. इट इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस. ठीक है बिल्कुल. और क्या, और डॉक्टर बुशरा आपका भी कोई और था इसमें? इट इज अ सेंस ऑफ फीलिंग टू शो. ठीक है डॉक्टर बुशरा अगर इफ यू कैन टॉक टू अस और यू कैन यू नो लीव अ मैसेज इन द चैट बॉक्स फिलहाल. ठीक है डॉक्टर फलक, डॉक्टर शिराज, डॉक्टर मेमन, डॉक्टर इकरा, डॉक्टर समीना आप मुझे बताएं कि व्हाई डू यू फील के इट इज इफेक्टिव. ठीक है क्योंकि डॉक्टर उन्होंने तो बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया डॉक्टर अंबर ने के तो डिमॉन्स्ट्रेट है. मैम क्योंकि इसमें बिहेवियर इन्वॉल्व है, लाइक हम कैसे बिहेव करेंगे, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स कोवर्कर्स डिमोंस्ट्रेट करके दिखाएंगे, ठीक है तो तो आई गेस ये लेकिन इफेक्टिव होगा. अगर डिमॉन्स्ट्रेट का वर्ड लिखा हुआ है तो ये तो डिमॉन्स्ट्रेट तो हमने अभी पीछे देखा डिमॉन्स्ट्रेट फिगर ऑफ एट, ये तो हमने अभी अभी डेवलप किया कि ये तो साइकोमोटर होता है डिमॉन्स्ट्रेट. लेकिन मैम इसमें ये है कि हम बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रटी रटाई चीज नहीं बता रहे कि एक बुकिश नॉलेज है, बस एक टॉपिक जस्ट एक्सप्लेन कर दिया या डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया, ये ठीक है बिहेवियर डॉक्टर. को करके दिखा रहे हाँ हैं. ठीक है डॉक्टर वकार आप इनको बताएं भाई, ये लोग तो सारे इफेक्टिव और साइकोमोटर पे कर रहे हैं, आप बताएं भाई क्यों सी टू है डॉक्टर असल में वकार. इसमें इसमें जो है ना स्किल्स डेवलपमेंट नहीं है, तो जब जब भी स्किल्स डेवलपमेंट आएगी तो ऑब्वियसली आपको साइकोमोटर ही पर आपको देखना पड़ेगा. इसमें जो है वो जस्ट इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन और एक काउंसलिंग सेशन है, वो आप उनको समझा रहे, तो इट ठीक वुड है बी रिकॉल एंड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. आप उनको. हाँ जी मोटर स्किल सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है, मोटर स्किल्स की डिमॉन्स्ट्रेशन है सर. रिस्पेक्ट क्या मोटर करके स्किल होती नहीं है? दिखा रहे कोई कम उसको पर, मतलब कोई मोटर का फंक्शन करके नहीं दिखा रहे, जस्ट ओनली टू डेमोन्स्ट्रेट और टू एक्सप्लेन. ठीक है हाँ मतलब अच्छा कोई हम हाँ या कोई उसमें प्रोसीजर करके नहीं दिखा रहे, सिर्फ ठीक है उसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से हो सकते हैं. ठीक है सर. अगर हम इसमें कह रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट टू अस कोवर्कर, ठीक है तो वो हम कोई डिमॉन्स्ट्रेट फिर इसमें किस तरह से करेंगे या डिमॉन्स्ट्रेट कुछ भी नहीं करते, थ्योरेटिकल कंपोनेंट होगा इसमें, क्या होगा सर इसकी टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी फिर डॉक्टर जहांगीर? इसमें वही है कि हम टीचिंग स्टडीज में कॉग्निटिव होगी, जो हम सोचेंगे उसको हम अपना जो जो भी स्टूडेंट हैं या जिसको भी हम चाहेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, जो हम बिल्कुल अपनी मतलब ठीक है. देखिए जो हमारा ये वाला है ना डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट टूवर्ड्स कोवर्कर, ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव है जिसके जिसके अंदर जो है ना इनबिल्ट नॉलेज होगी. ठीक है अगर मुझे पता होगा कि रिस्पेक्ट होती क्या चीज है, वो किस क्या किस तरह से शो की जाती है, क्या होता है, तो डेफिनेटली इसकी अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव है. ठीक है लेकिन डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड ये तो कोई बात हो गई कि आप शो कर रहे हैं, ठीक है तो ये साइकोमोटर भी हो सकता है, लेकिन ये है इफेक्टिव. तो जिन्होंने इफेक्टिव इसको आइडेंटिफाई किया उन्होंने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया. आप जो है ना एक्शन वर्ब से कंफ्यूज ना हो, हमेशा लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा पढ़े. ठीक है डिमॉन्स्ट्रेट, दो डिमॉन्स्ट्रेट का जो एक्शन वर्ब है साइकोमोटर के लिए यूज होता है, लेकिन हम कह रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट क्या चीज होती है? एक इफेक्टिव डोमेन, एक इमोशन होता है जिसको आप देख नहीं कर सकते, बिहेवियर होता है जो आपको शो करना पड़ता है. ठीक है उसको सिखाने की अलग टेक्निक्स होती है, आप रोल प्ले करके उसको दिखाते हैं तो वो रोल प्लेइंग से आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है. ठीक है ना तो आप रिस्पेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट का वर्ड, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक बना हुआ है. ठीक है लेकिन जब आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को किसी डोमेन के अंदर डाल रहे हैं ना उसको पूरा पढ़ें. ये उन सब ये सारा एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए जो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं. ठीक है ना तो अगर आपको जिनको भी कंफ्यूजन है तो प्लीज स्टॉप मी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या आप फर्दर एग्जाम्पल्स चाह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं. ठीक है अगर कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव आता है डिमॉन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट या काउंसलेशन कर काउंसल करके दिखाएं, कंसेंट लेकर दिखाएं, ठीक है बिहेवियर की जितनी चीजें आएंगी वो आपकी आएंगी आएंगी इसके अंदर इफेक्टिव डोमेन के अंदर. ठीक है डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी. ठीक है कोई कंफ्यूजन जिनको समझ में नहीं आया था, ठीक है जिन्होंने सी टू इसको कहा था उनको कोई कंफ्यूजन? सी टू ठीक है इसमें अंडरस्टैंडिंग का कंपोनेंट है ही, मेमोरी तो हर चीज के अंदर है ना. ठीक है तो आप मेमोरी से कंफ्यूज ना हो, मेमोरी होगी परफॉर्मेंस के अंदर भी होगी बिहेवियर के अंदर भी होगी. ठीक है ना जब आप लेकिन जब आप कॉन्शियसली बिहेवियर सिखा रहे होते हैं तो आप इस तरह का लर्निंग ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे और फिर आप इसी बिहेवियर को असिस्ट करेंगे. ये चीजें थोड़ी अभी आगे फर्दर ऑन क्लियर भी होंगी. ठीक है अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन तो पूछ ले वरना वी आर मूविंग अहेड.
ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें इनकम्प्लीट लिखा है, पास एंजी ट्यूब इन इन अ पीडियाट्रिक मेडिकल इन द स्किल्स लैब, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग इस तरह हो गया, लेकिन आई थिंक क्लैरिटी है इसके अंदर, कीवर्ड सारे मौजूद हैं, ठीक है। अभी तक मुझे एक रिस्पॉन्स आया है, डॉक्टर जहांगीर प्लीज आप ही टाइप करें, डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर वकार, ठीक है, सबके रिस्पॉन्स आई विल लव टू सी, डॉक्टर अंबर आपका भी आए, डॉक्टर सादिया, ठीक है, डॉक्टर निसा, ठीक है, बाकी सारी क्लास किधर है हमारी, ये तो मुझे सेम सेम नाम नजर आ रहे हैं, डॉक्टर इमरान कहाँ है, डॉक्टर आदिल मुझे नजर नहीं आ रहे, मिसेस सलमान, मिसेस सलमान की मुझे भी पार्टिसिपेशन नजर नहीं आई है, ठीक है, सारे पार्टिसिपेट करें प्लीज, डॉक्टर दुर्गा आपका रिस्पॉन्स भी आई वॉन्ट टू सी आपका आ चुका है, ठीक है, डॉक्टर बुशरा का भी आ गया है, बाकी सारे भी प्लीज, ठीक है, ये भी साइकोमोटर जी सर, क्यों जो साइकोमोटर है, है साइकोमोटर क्यों है सर, जी, इसमें एक्शन हो रहा है क्योंकि जब आप बता रहे हैं ना कि पास एनजी ट्यूब पास कर रहा है, तो मतलब ये है कि वो आज से इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो खुद बिल्कुल 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 सही, और डॉक्टर नाजिया मेरे ख्याल से आपने अपना रिस्पॉन्स चेंज किया है, क्यों डॉक्टर नाजिया, आप तो भी C3 कह रही थी, निशा, डॉक्टर निशा C3 कह रही थी, डॉक्टर निशा प्लीज आप मुझे बताएं कि वाह, इन सबको बताएं कि भाई क्यों C3 है, एप्लीकेशन हाँ, किस तरह है जिसको अब अप्लाई किया जा रहा है, मेमोरी है जिसको तो अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है हाँ ठीक प्रैक्टिकल है, है लेकिन है बिल्कुल तो एप्लीकेशन साइकोमोटर बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मुझे पता है C3 कौन से डोमेन में आता है, C3 साइकोमोटर में आता है, C3 आता है कॉग्निशन में डॉक्टर निशा, ठीक है, कॉग्निशन की सिर्फ एक आप साइड में रखेंगे, जो कॉग्निशन है उसकी फर्दर कैटेगरीज है, ठीक है, जो कॉग्निशन लेवल है वो आपकी, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई की, कॉग्निशन लेवल मेमोरी के लिए काम करता है, और मेमोरी में एप्लीकेशन लेवल आपका C3 पे जाता है, या फिर आप उसको डायरेक्ट एप्लीकेशन और रिकॉल में करें, ठीक है, लेकिन क्या आप एनजी ट्यूब सिर्फ अपने दिमाग में पास कर रही होंगी या किसी मैनिकन में पास कर रही हैं डॉक्टर निशा, मैनिकन में पास की, तो अगर मैं मैनिकन में पास कर रही हूँ तो क्या मेरे हाथ यूज हो रहे हैं, आपके हाथ यूज हो, तो फिर अगर हाथ यूज हो रहे तो कौन सा डोमेन हो जाएगा, साइकोमोटर में साइकोमोटर, तो C3 क्यों नहीं होगा फिर साइकोमोटर डॉक्टर निशा, C3 और साइकोमोटर में क्या डिफरेंस है, सेम C3 एंड साइकोमोटर आर नॉट सेम डॉक्टर निशा, सी आप कॉग्निशन सॉरी कॉग्निशन C3 इज कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निशन का मतलब है जो आप स्किल स्टूडेंट से परफॉर्म करवा रही हैं, ठीक है, वो उसके सिर्फ दिमाग में हो रहा है, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ CBC, ठीक है ना, वो या डायग्नोसिस किसी चीज की, डायग्नोसिस ऑफ निमोनिया, ठीक है, डायग्नोसिस वो अपने दिमाग में कर रहा होगा इंटरप्रिटेशन करके चीजों की, ठीक है, वो आपका आपका आएगा C3 लेवल कर दें, या उसको कह दें आप कॉग्निशन लेवल, ठीक है, लेकिन जब आप उसके ऑब्जेक्टिव में डालेंगे कि हाथ से करके दिखाना है तो वो आपका साइकोमोटर हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्यों आई एम टेकिंग माई टाइम टू क्लियर द कॉन्सेप्ट विद ऑल ऑफ यू इज कि दिस इज द की कॉन्सेप्ट या की कॉम्पिटेंसी ऑफ अ CHP कैंडिडेट, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे दिस इज समथिंग जिसके बारे में आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, तो दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग माई टाइम और सबकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना, तो अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज डू लेट मी नो, वेन एवर आई पुट अप अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको सोचना है कि तीन मेन डोमेन्स कॉग्निटिव साइकोमोटर इफेक्टिव, कॉग्निटिव साइकोमोटर इफेक्टिव, ठीक है, फिर अगर आपने ये बोल दिया हाथ से हो रहा है डायरेक्ट साइकोमोटर, कोई बिहेवियर है डायरेक्ट इफेक्टिव, कोई मेमोरी वाली चीज है उसमें आप सोचेंगे ओके ये कैटेगरी रिकॉल है या कैटेगरी एप्लीकेशन है, रिकॉल कौन सी है जिसमें आप सिर्फ चीजें रिपीट कर रहे हो, एप्लीकेशन कौन सा है जिसमें आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो या आप जो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करवा रहे हो, ठीक है, जिसमें आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करवा रहे हो वो आपकी हो जाएंगी उसके अंदर, ठीक है, दीज आर द की कॉन्सेप्ट्स, डॉक्टर निशा कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज डू लेट अस नो हियर, ठीक है डॉक्टर निशा, Yes, sorry, now it's clear. ठीक है प्लीज ये मुझे बताएं लास्ट वाले का,
ये कॉग्निटिव है। ठीक है सर, जब भी हम कॉग्निटिव सोचते हैं तो उसके आगे क्या सोचते हैं सर? कॉग्निटिव तो डोमेन हो गया ना, उसके बाद हम सोचते हैं कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी है सर? इसमें आएगा C3 में आएगा। ठीक है, मैं आई डोंट फील कंफर्टेबल विद C2 C3 ना, मुझे रिकॉल और एप्लीकेशन में बता दें प्लीज, क्योंकि मुझे C2 C3 नहीं समझ आता, मुझे सबसे कंफर्टेबल और इजी लगता है रिकॉल एंड एप्लीकेशन, तो उसमें मुझे बता दें कि ये रिकॉल कैटेगरी है या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है। ठीक है, बाकी सब लोग बताएं कि क्या है। सर कॉग्निटिव रिकॉल एप्लीकेशन। कॉग्निटिव रिकॉल सर, जो कौन बात कर रहा था सर, प्लीज अपना नाम बताएंगे। डॉक्टर अली फराज। डॉक्टर अली फराज, प्लीज जस्टिफाई करेंगे मुझे कि क्यों इट इज रिकॉल। बेसिकली यहाँ पर एक रटी रटाई दो टॉपिक्स हैं, हेमरेजिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक, उसकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो बुकिशली रिटन है, उनको याद करके सिर्फ बताना। ठीक है, डॉक्टर दुर्गा आप इनको हेल्प करेंगी, डॉक्टर फराज को इसकी जस्टिफिकेशन में आप कुछ ऐड करेंगे इसके अंदर डॉक्टर फराज के साथ, क्योंकि आपने भी रिकॉल का है ना, कॉग्निटिव रिकॉल। यस मैम, इट्स बिकॉज़ डिफरेंशिएट मींस इट जस्ट नॉलेज शो करनी है इसमें। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कब वहां पर आ जाएगी कि जहां पर ये किसी पेशेंट के ऊपर वैरी हो गया कि अब इसमें डिफरेंशिएट करना है कि ये न्यूरोजेनिक शॉक में जा रहा है या हेमरेजिक शॉक में जा रहा है, वहां पर हम एप्लीकेबल कर सकेंगे। तो सर तो क्या इसका जो आपके अंडरस्टैंडिंग की मतलब, क्योंकि जो बेसिक साइंसेज है उसमें तो पेशेंट होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो क्या इसका मतलब है कि हम एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन बेसिक साइंसेज में नहीं पूछ सकते? इट वेरी ऑन सिनेरियोस के ऊपर वेरी करेगा ना, जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी। क्या बेसिक साइंसेज में हमेशा सिनेरियोज होते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चन के लिए? कोई बेसिक साइंटिस्ट है हमारे साथ यहाँ पे, किसी भी बेसिक साइंटिस्ट, कोई भी एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, डेंटल मटेरियल्स, पैथो, कोई है, कोई बताएगा कि आपके क्या आपके सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस हमेशा पेशेंट रिलेटेड होते हैं? सारे क्लिनिशियंस हैं क्या मेरे साथ? ऑलमोस्ट। कोई तो बेसिक साइंटिस्ट होगा। हाँ, आई एम फ्रॉम बेसिक। हाँ, मैं डॉक्टर दुर्गा कि क्या आपके पास क्या कोई आपके पास एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं डॉक्टर दुर्गा? यस मैम बिल्कुल, आई एम आल्सो लेक्चरर, तो उसमें ये चीजें होती हैं। उसमें होती है, मैं खाते डॉक्टर शिराज मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम कम्युनिटी ना, कम्युनिटी साइड और रिसर्च साइड के। डॉक्टर शिराज आपका तो इस तरह का सब्जेक्ट है, तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से तो आपके पास तो कोई होंगे ही नहीं एप्लीकेशन क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि पेशेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, उसमें आप एनालिसिस पूछ सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर दे सकते हैं, उसमें कह सकते हैं कि टेबल एंड इंटरप्रेट कर लो, सो पेशेंट इज नॉट नेसेसरी इन एवरी। एग्जैक्टली, तो जब आप कॉग्निशन लेवल में रिकॉल और एप्लीकेशन की कैटेगरी दिमाग में डालें तो आप ये एप्लीकेशन को पेशेंट रिलेटेड ना समझे, ठीक है, उसके बगैर भी हो सकता है। अगर आप किसी चीज को एनालाइज करवा रहे हैं तो वो आपके एप्लीकेशन हो सकती है। तो वो सारे लोग जो इसको रिकॉल कह रहे थे, क्या आप वो सेटिस्फाइड हैं कि ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है, रिकॉल नहीं है? क्योंकि दो चीज में जब आप डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं तो उसके बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर मैं सिर्फ बुक का रटा रटाया करके नहीं कभी उसको वो नहीं कर सकती, अगर उसके लिए मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि अच्छा ये इस चीज से अलग कैसे है, ठीक है। रिकॉल सर वही वाली बात, जैसे साइकोमोटर में नॉलेज एप्लीकेशन के लिए रिकॉल तो इनबिल्ट है, अगर आपको रिकॉल ही नहीं पता तो आप एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जब आप किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैटेगराइज कर रहे होते हैं तो आप किसी एक चीज में डालेंगे उसको, या तो रिकॉल में डालेंगे या एप्लीकेशन में डालेंगे। जब आप हायर कॉग्निशन की तरफ जाएंगे, नहीं डॉक्टर मेमन दिस क्वेश्चन इज फॉर रिकॉल लेवल, जिसमें आप डिस्क्राइब नहीं करवा रहे उसको, उसको डिस्कस नहीं करवा रहे, उसकी एप्लीकेशन करवा रहे हैं कि दो चीज में आपस में किसी बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट करके मुझे बताएं, ठीक है, या एनालाइज करके बताएं, इंटरप्रेट करके बताएं कि ये चीज हो सकती है या नहीं। लेकिन इनबिल्ट उसके अंदर हमेशा रिकॉल होगा, लेकिन आप उसको कैटेगराइज दो में नहीं कर सकते, रिकॉल एंड एप्लीकेशन दोनों नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर एप्लीकेशन का कंपोनेंट है तो वो हमेशा एप्लीकेशन के अंदर जाएगा, कैटेगरी के अंदर कॉग्निटिव की, ठीक है। डॉक्टर मेमन कोई और क्वेश्चन इसके ऊपर, डॉक्टर मेमन या किसी और को भी कोई भी अगर क्वेश्चन है? इसी सवाल के ऊपर मेरा है कि मैं इन दोनों चीजों को मिक्स अप कर रहा हूं, ठीक है सर, डिफरेंशिएट बिटवीन हेमरेजिक एंड न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। अब इसके ऊपर दो पर्टिकुलर अगर एग्जांपल्स रखने के, एक स्टूडेंट है जिसको हम दो पेशेंट्स के ऊपर जाके खड़ा करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन हेमरेजिक एंड न्यूरोजेनिक शॉक बिटवीन देम,
और एक है जो क्लास के अंदर बैठा हुआ है एंड उससे पूछ रहे हैं कि काइंडली डिफरेंशिएट बिटवीन हेमरेजिक एंड न्यूरोजेनिक शॉक. अब हाँ यहाँ पर ये कौन से कैटेगरीज में दोनों आएंगे? हाँ बिल्कुल, अ वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर रिफराज, क्योंकि आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है, दिस इज एन इनकम्प्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना, ये कहीं भी जा सकता है. ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए ना हमेशा एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आप लिखते हो कि किसी भी चीज को कितना डिस्क्राइब करना है. अगर मैं इसको कह दूं कि साइन एंड सिम्टम्स की बेसिस के उसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो उसके अंदर वो कंपोनेंट आता है. या अगर पेशेंट है तो इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर मुझे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं कि इस पेशेंट के अंदर न्यूरोजेनिक शॉक क्यों है और हमें हेमरेजिक शॉक क्यों नहीं है. ठीक है ना, तो दैट वुड बी अ गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव. आपको जो ये कंफ्यूजन पैदा हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि ये इनकम्प्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, और इसी तरह के लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें मिलते हैं. अच्छे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें क्लियर कट डिफरेंशिएशन दे वो किस तरह से लिखे जाते हैं और क्या क्या उसमें एलिमेंट्स होते हैं कि कोई किसी को कंफ्यूजन ही ना हो कि ये कहाँ पे बैठ रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में और डिटेल में सीखेंगे. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज जहां एप्लीकेशन की बात है, जहां आपको एनालाइज करना पड़े, थोड़ा सा कॉग्निटिव अपना दिमाग या हाई थिंकिंग इस्तेमाल करनी पड़े, वो आपका एप्लीकेशन है. फॉर दिस स्टेज इतना पता होना काफी है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता कल की क्लास, नेक्स्ट वीक की क्लास तक चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, As I understand, it is an example of both recall. ठीक है, डॉक्टर मेमन, आपका जो ये क्वेश्चन है ना कि both recall and application, कोई भी MCQ, sorry, कोई भी learning objective, जिसमें आप confused हो रहे हो ना कि ये recall भी है, application भी है, तो आप higher level of category choose करेंगे. ठीक है, अगर इसमें application का component है और आपको उसको label करना ही है तो आप उसको application label करेंगे, क्योंकि inbuilt हर चीज के अंदर recall होता है. ठीक है डॉक्टर मेमन, इज दिस अ गुड टिप किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए? ओह अच्छा, एक आखिरी रह गया, चलें लास्ट वाला कर लें, देन वी कैन मूव अहेड. सबके जवाब आने चाहिए. डॉक्टर मेमन, आपके जवाब का भी वेट कर रही हूं मैं. डॉक्टर जहांगीर, डॉक्टर अली फराज, डॉक्टर बुशरा, अच्छा डॉक्टर बुशरा का आ गया है. मिसेस सलमान हमारे पास एक्टिव नहीं है. डॉक्टर मिसेस सलमान, डॉक्टर कलीम, डॉक्टर रबिया, आपका रिस्पांस भी अच्छा आ चुका है. ठीक है, तो यूनानिमस इसमें आंसर है इफेक्टिव. तो इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप बिहेवियर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड. ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, इनको आप किसमें डालेंगे तीनों को? तीनों का जल्दी से बता दें मुझे. हर सेशन लेने से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है, उस प्लानिंग में आपको ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं और आपको स्टूडेंट्स को दिखाने होते हैं. ठीक है, तो ये मेरे आज के ऑब्जेक्टिव्स थे. तो आप मुझे बताएं कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स कहाँ जा रहे हैं, तीनों कौन से डोमेन के हैं? तीनों का पूछ रही हूं मैं. ठीक है, ये कॉग्निटिव में नहीं आएगा सर, लिख दे चैट रूम में बता दे. डॉक्टर फिदा, आपका नोट भी कर लिया मैंने, आप कह रहे हैं तीनों कॉग्निटिव है, इस वजह से कि आप डिस्कस कर रहे हैं ना सारी चीजें उस पे कर रहे हैं ना. ठीक है, अब अगर मैं कॉग्निटिव बोलती हूँ तो मैं दूसरा क्या सोचती हूँ कॉग्निटिव के बाद? साइकोमोटर में भी आएगा क्योंकि आप डिस्कस कर गए, मूवमेंट थोड़ी होगी. नहीं सर जी, वैसे कॉग्निटिव और कॉग्निटिव के बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है? रिकॉल एंड एप्लीकेबल. हाँ, तो मुझे ये बताएं कि वन वन पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, कौन सी डोमेन में आ रहे हैं तीनों, और हर डोमेन जो है कौन सी कैटेगरी में आ रही है, अगर इसकी कोई कैटेगरी है तो. डॉक्टर फिदा, आप भी मुझे कंफर्म बता दें आपका आखिरी आंसर, हम क्या लॉक करें इसमें? किस में? लास्ट में ये जो मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताया ना, इनका आंसर लॉक करवाएं. 1 2 3 क्या है? 1 वाला ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, कौन सा रिकॉल है, कौन सा एप्लीकेशन है, अगर जो रिकॉल और एप्लीकेशन लिख रहे हैं. बाकी एप्लीकेबल जी जी डॉक्टर जहांगीर, फिर से बताएं क्या कहा आपने? उसमें डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ कैरेक्टराइज अपनी माइंड में. थर्ड जो है रिकॉल है क्योंकि सिर्फ हम अपने माइंड में उसको वो सोच रहे हैं, बाकी एप्लीकेबल हैं दोनों क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों.
दोनों बट इन डिस्कशन वाले सेकंड जो है आपके एप्लीकेशन एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये तो और थर्ड उसके वन जो है वो रिकॉल है। रिकॉल है। थर्ड में एप्लीकेबल है। ठीक है, टू कॉग्निटिव एप्लीकेबल एप्लीकेशन, ठीक है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है, ये जो है इनिशियल जो आपके दो है ये सिर्फ आपकी, एक तो पहली बात, ये तीनों के तीन है कॉग्निटिव है, इसमें सारे है या कोई कहता है कि ये साइको मोटर है इसमें से कोई? ठीक है, ऑल कॉग्निटिव है इसपे, यकजहती है कि सारे के सारे कॉग्निटिव है, इसमें कौन सा है जिसमें ट्रू एप्लीकेशन हो रही है? ठीक है, ये है क्लियर कि ये तीनों के तीनों सिर्फ कॉग्निटिव है क्योंकि हम इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर कट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज पे जा रहा है वो जा रहा है आपका कौन सा? ठीक है, थर्ड वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका जो दिमाग लगा है अब तक जब मैंने डिस्कस किया आपके साथ डोमेन, उसमें आपका कोई दिमाग नहीं लगा, ठीक है, अब ये दूसरा ऑब्जेक्टिव जो मैं डिस्कस करूंगी उसके ऊपर भी आपका कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगने वाला, सबसे ज्यादा जो इसमें आप लोगों का दिमाग खर्च हुआ है और जिसमें आपने एनालिसिस किया है इन्फॉर्मेशन का, वो कैटेगरी कैटेगराइजेशन था, ठीक है, क्या इससे कोई अभी तक जितना एक्सपीरियंस किया है कोई कहता है कि ऐसा नहीं हुआ? सबसे ज्यादा आपका दिमाग कहाँ इस्तेमाल हुआ, जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी बाकी चीजें या तब जब आप खुद कैटेगराइज करने बैठे थे? ठीक है, सबसे ज्यादा आप लोगों की मेहनत और दिमाग तब लगा जब आप ने कैटेगराइज करने वाले, डिस्कशन भी हम कर रहे थे, डिस्कशन से भी कुछ भी नहीं हो रहा था, ज्यादातर मैं ही बोल रही थी, मैं ही सोच रही थी, मैं ही जवाब दे रही थी, आपकी ट्रू एक्टिविटी और ट्रू कंपैरिजन और एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो अब तक हमने सीखा है वो कैटेगराइजेशन से आया है, तो ट्रू एप्लीकेशन इसके अंदर सिर्फ कैटेगराइजेशन है और बाकी सारा रिकॉल लेवल है, ठीक है, उसमें सब चीजें याद कर रहे थे, ठीक है, वाई अप्लाई थर्ड इसीलिए अप्लाई है क्योंकि आप सोचे अभी आपको कितनी मेहनत लगी है, आपने जो डिस्कशन की मेरे साथ उसको एनालाइज किया, नहीं ये इधर आएगा ये इधर आएगा, फिर जाके लॉक मेमन, मैंने जैसे अभी आपको कहा जहां पे एप्लीकेशन का कंपोनेंट आता है वो आपका, आप उसको लेबल करेंगे एप्लीकेशन ना के रिकॉर्ड, जहां पे हायर कॉग्निशन वाला आ गया ना तो वो आ जाएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका यही है कि ये कैटेगराइजेशन है, ठीक है डॉक्टर मेमन, सिंपल रूल याद रखें, एक कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि एप्लीकेशन का कंपोनेंट है तो आप उसको रिकॉल नहीं एप्लीकेशन लेबल करेंगे, ठीक है, आप हायर लेवल ऑफ टैगिंग करेंगे उसके ऊपर, कैटेगराइजेशन करेंगे, क्योंकि रिकॉल हुई जब तक आप कैटेगराइज कर ही नहीं सकते जब तक आप रिकॉल ना करें, ठीक है, और दूसरी चीज एक इस पे नोटिस करें, मैंने इसके अंदर कुछ हाईलाइट की हैं चीजें, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखने का एक तरीका होता है जो कि इसके अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, इसको हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे अपने सेकंड सेशन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आप इतना याद रखें कि एक लिखा किस तरह गया है, बाय द एंड ऑफ द सेशन द पर्सन विल बी एबल टू, ब्रैकेट स्टेटमेंट होती है, कौन कर रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, एंड ऑफ द सेशन में, क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, किस चीज को कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द थ्री डोमेन्स, मेरा आपको ये नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, एक सेकंड स्पॉटलाइट में ऑन कर लेती हूँ, ठीक है, बात कौन कर रहा है, पार्टिसिपेंट्स, क्या कब करेंगे, एंड ऑफ द सेशन में, क्या चीज करेंगे, डिस्कस डिस्कस कैटेगराइज, किस चीज को करेंगे, कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द थ्री डोमेन्स, ठीक है, ये मिनिमम चार पांच, एक और पॉइंट होगा किस चीज को करेंगे, ठीक है, वो फर्दर उसको इलेबोरेट करता है हाउ मच, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे फिलहाल, आपके पास टाइम होगा इसको नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करने का, लेकिन ये बेसिक आप याद रखिए कि इस तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं, ठीक है, सो मूविंग अहेड, इसकी इंपॉर्टेंस कोई मुझे बताया, हम क्यों इतनी दिमाग खपा रहे हैं अपना ये चीज पढ़ के, क्या फायदा है इसका, क्या होगा, इतना क्या हम कर लेंगे ये सीख के, ठीक है, आप आए सी एच पी का कोर्स करने, आपको मैं क्यों ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के पीछे पागल कर रही हूँ, क्या चीज सीखेंगे हम इससे, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, कुछ तो फायदा होगा ना,
ऑल कंपोनेंट विल बी अप्लाइड टू असेस द स्टूडेंट्स. ठीक है, होता यह है कि आप जब ये डिसाइड कर लेते हैं अपनी प्री प्लानिंग के अंदर कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कॉन्शियसली हम जब कोई क्लिनिकल स्किल करने जाते हैं ना, जो परफॉर्मेंस करने जा रहे होते हैं या हिस्ट्री टेकिंग में जा रहे होते हैं, तो एक चीज नहीं कर रहे होते, हम इफेक्टिव डोमेन भी कर रहे होते हैं, हम साइकोमोटर डोमेन भी कर रहे होते हैं, नॉलेज भी रिकॉल कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन मुझे एज अ टीचर कॉन्शियसली देखना है कि इस वक्त मैं क्या सिखा रही हूँ, ठीक है, इस वक्त मैं सिखा क्या रही हूँ, और इसमें से क्योंकि मैं इस वक्त इसको सिखा रही हूँ, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कर रही हूँ लर्निंग सेशन के अंदर, ठीक है, तो मैं उसका एग्जाम भी वैसे ही लूंगी. अगर मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो है उनसे नेमिंग करवानी है किसी चीज की, ठीक है, नेम द टाइप्स ऑफ बायोप्सीज, तो मैं उसको लेक्चर के अंदर सिखा दूंगी, ठीक है, या उसको कोई लर्निंग मटेरियल दे दूंगी, उससे उसको याद हो जाएगा. ठीक है, असेसमेंट भी फिर मैं उसी हिसाब से करूंगी, एमसीक्यू वगैरह करूंगी. अगर मैं कहती हूँ कोई चीज परफॉर्म करके करनी है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि मैं उसकी लर्निंग सेशन भी वैसा ही लूंगी कि मैं उसको लेकर जाऊंगी स्किल्स लैब में, लेकर जाऊंगी पेशेंट्स के पास लेकर जाऊंगी, और फिर मैं उसको असेस भी वैसे ही करूंगी, ओस्की के ऊपर असेस करूंगी, या फिर मैं उसको जो है वर्क प्लेस असेसमेंट से असेस करूंगी अपने पीजी के अंदर या यूजी के अंदर. अगर मैं उसको बिहेवियर कॉन्शियसली बिहेवियर सिखा रही हूँ, क्योंकि हमारी स्किल्स जो है ना जुड़ी हुई होती है, ठीक है, एक चीज अलग नहीं होती है, लेकिन हम जब पढ़ाने जाएंगे तो कॉन्शियसली जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको तीनों डोमेन में किसी एक डोमेन में डालेंगे, उसके हिसाब से उसका लर्निंग सेशन लेंगे, उसके हिसाब से मेथोडोलॉजी डिसाइड करेंगे, लोकेशन डिसाइड करेंगे अपनी, और उसके हिसाब से उसका असेसमेंट टूल पिक करेंगे. ठीक है, ये सब चीजें हमें याद रखनी होती है, इस तरह से हम अपनी चीजें स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल स्ट्रक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, कॉमन लैंग्वेज होता है, पता होता है कि अच्छा हम ये पढ़ा रहे हैं स्टेज पे, ये कम्युनिकेशन करने के लिए आसानी होती है, करिकुलम सेट करने में आसानी होती है. ठीक है, लेकिन ये बहुत की है, आप हमेशा अपना लर्निंग सेशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्लान करेंगे. अगर कोई चीज लेक्चर में हो सकती है, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में होगी, ठीक है, वो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताए. डिस्कस करना है तो डिस्कस तो क्लासरूम में नहीं होता है ना, डिस्कस तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में होता है, ठीक है ना. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जो वर्ब होता है ना, वो की होता है, वो आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ पे लेना है. और उसी तरह से असेसमेंट है, ओस्की असेसमेंट है, ठीक है, ओस्की से करवा रहे हो, रोल प्लेइंग से सिखा रहे हो आप, उसका बिहेवियर उसी तरह से चेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, एमसीक्यू कर रहे हो, शॉर्ट एसे क्यू कर रहे हो, ठीक है, ये इसी तरह से सारी चीजें हो रही होती है. तो ये सारे जो हमने अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखे, इन सबका टीचिंग मेथड अलग होगा, ठीक है, कौन सा होगा, कौन सा अप्रोप्रिएट है. लास्ट सेशन में भी डॉक्टर मुइन ने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया, और अभी भी आप सोचेंगे कि कौन सी चीज किसके लिए बेहतर होगी और उसको एप्लीकेशन करनी होती है.